सरदार नरवंत सिंह शहीद हुआ है, उन्होंने देश की खातिर अपने काम निशान किया है। लांस नायक कुलवंत सिंह जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद 5 जवानों में से एक जवान, जिनके पिता की शहादत भी ठीक उसी उम्र में हुई थी जिस उम्र में लांस नायक कुलवंत सिंह की शहादत हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुलवंत सिंह की शहादत पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में हुई थी और उनके पिता की शहादत कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के हमले में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कुलवंत सिंह के पिता बलदेव सिंह सेना में हवलदार थे और सिख लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा थे। करीब 24 साल पहले जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी, जिसे कारगिल युद्ध कहा जाता है, तो उस युद्ध में बलदेव सिंह की शहादत हुई थी। पिता की शहादत के करीब 11 साल बाद साल 2010 में कुलवंत सिंह भारतीय सेना में शामिल हुए थे और अपने पिता के ही रेजिमेंट सिख लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा बने थे। वो 49 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ तैनात थे। इसी रेजिमेंट में रहते हुए कुलवंत सिंह की भी शहादत पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में हो गई है। कुलवंत सिंह के परिवार में उनकी पत्नी हरदीप कौर, माँ हरिंदर कौर, बहन चरणजीत कौर और भाई सुखप्रीत सिंह हैं। उनकी 1.5 साल की एक बेटी और महज 4 महीने का बेटा है। पंजाब के मोगा के चाड़िक में उनका पुश्तैनी घर है जो पुराना हो चुका है। कुलवंत सिंह उस घर को फिर से बनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वो अपने घर के लिए कुछ कर पाते उससे पहले ही उनकी शहादत हो गई। कुलवंत सिंह की शहादत के बारे में सेना से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पुंछ के बीच से गुजर रहे सेना की एक गाड़ी पर पाकिस्तानी आतंकियों ने फायरिंग कर दी और ग्रेनेड से भी हमला कर दिया। इस हमले की वजह से उस गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी से निकलने की कोशिश के दौरान कुलवंत सिंह कूद गए, लेकिन उनका सिर टकरा गया और उनकी मौत हो गई। 22 अप्रैल की सुबह उनके पुश्तैनी गांव चाड़िक में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सरदार कुलवंत सिंह शहीद हुआ है तो हमें बहुत दर्द है कि शहीद हो गया हमारा लड़का, लेकिन हमें यह भी बहुत खुशी है कि उन्होंने देश की खातिर अपने आप को निछावर किया है। हमारा सर ऊंचा होता है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे गांव का शहीद कुलवंत सिंह, जो कि इसका पिता भी इसी उम्र में इसी कारगिल एरिए में शहीद हुआ था, नौकरी करता हुआ अपने देश की खातिर शहीद हुआ है, हमें बहुत गर्व है, हमें मान है। कुलवंत के अलावा 4 और जवान इस आतंकी हमले में शहीद हुए। शहीदों में पंजाब के ही भटिंडा के बाघा गांव के रहने वाले सिपाही सेवक सिंह, बटाला के तलवंडी बर्थ गांव के सिपाही हरकिशन सिंह, लुधियाना के हवलदार मनदीप सिंह और ओडिशा के लांस नायक देवाशीष बिस्वाल शामिल थे। अब भारतीय सेना अपने जवानों की शहादत का बदला लेने की कोशिश कर रही है और इसके लिए राजौरी और पुंछ इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में जो अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।